पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर मिस्टर पतलू का अपनी ही वालदा के जनाजे में ऐनक पहनकर चश्मा लगाकर शिरकत करने पर उनके फैंस शदीद गुस्से में आ गए। तो ये वो टाइम था जब आप लोग अपनी अकड़, अपनी हर चीज, जान माल, अपना हर चीज खो चुके होते हैं। जब माँ इस दुनिया से रुखसत होती है तो यकीनन आपकी दुनिया ही उजड़ चुकी होती है, लेकिन मिस्टर पतलू को देखा गया कि वो चश्मा लगाकर अपनी माँ के जनाजे में शिरकत हुए और फैंस के साथ हंसी मजाक भी दिखाते हुए नजर आए गए। तो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा लोग ने उनके खिलाफ बातें भी की हैं और इस चीज का इल्म मिस्टर पतलू को भी हो गया है। तो याद रहे कि मिस्टर पतलू जो कि दुबई में थे और जब उनको पता चला कि उनकी वालदा का इंतकाल हो गया है तो वो वहां से रवाना हुए और टिकट्स लेकर सीधा चले गए। वहां पर जब पाकिस्तान पहुंचे तो पाकिस्तान के एयरपोर्ट के वहां पर ही लोगों ने उनको रोक लिया और रोड को ब्लॉक कर दिया गया। रोड को ब्लॉक कर दिया गया, वहां पर उन्होंने रेंजर्स की मदद ली और रेंजर्स ने उन्हें जाके उनकी घर तक पहुंचाया। तो हाई सिक्योरिटी के साथ वो वहां पर पहुंचे, उनके आगे पीछे लोगों का हजूम था, फैंस का हजूम था, क्योंकि वो काफी अरसे बाद पाकिस्तान वापस आ रहे थे। तो जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने चश्मा नहीं उतारा, तो वहां पर काफी ज्यादा लोगों ने उनको तनकीद का निशाना बनाया और ये भी कहा कि मिस्टर पतलू को अपनी वालदा के जाने का दुख भी नहीं है, क्योंकि वो बहर रहते थे, उन्हें तो अपनी वालदा का दुख ही नहीं है। तो इस चीज पर इसके बाद मिस्टर पतलू का भी रिएक्शन नजर आया है, लेकिन अगर इस एंगल से देखा जाए तो लोगों की बात ठीक है, क्योंकि मिस्टर पतलू ने ये जो चश्मा लगाया हुआ था उसे इस मौके पर चश्मा नहीं लगाना चाहिए था। खैर, मिस्टर पतलू की बात सुनते हैं। मिस्टर पतलू का कहना है कि मैं जो 52 घंटों से नहीं सोया था, मेरी आंखें खुल भी नहीं रही थी, सूजी हुई थी, तो इस बिना पर मैंने चश्मा लगाया हुआ था। जनाब, ये बात आपकी मान लेते हैं कि आप लोग शदीद दुख में थे, गम में थे, आप बड़े ही सदमे में थे, लेकिन इस चीज की हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जो चीज आप बयान कर रहे हैं तो आपको चश्मा नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि अगर ऐनक लगाकर, चश्मा लगाकर आप आंखें खोल के चल सकते हैं तो ऐसे चश्मे के बगैर भी आप चल सकते थे। तो लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। ये वो टाइम होता है जब आप अपना गम लोगों को दिखा सकते हैं और लोगों की सिंपैथी ले सकते हैं। तो अब अगर आप चश्मा उतार देते तो क्या होता, आपकी आंखें सूजी हुई नजर आती, तो लोग भी यही समझते कि मिस्टर पतलू को उसकी वालदा के जाने का दुख है। मैं मानता हूं कि जब किसी की वालदा जाती है उसे दुख तो होता है, हर बार होता है और हर बार पहली बार से ज्यादा दुख होता है, लेकिन इस हरकत का मैं मॉडर्न अगर कहूं तो मिस्टर पतलू ने ये जो तहजीब अपनाई है ये मॉडर्न डे की तहजीब है। अगर इसको पाकिस्तानी अखबार सकाफत के लिहाज से देखा जाए तो इसको नहीं होना चाहिए था। बाकी व्यूअर्स, आप लोग कॉमेंट्स में लाजमी बताएं कि मिस्टर पतलू की वालदा के इंतकाल पर चश्मा पहनना ठीक था या नहीं। तो मिलते हैं नई वीडियो।